नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए निबंध लेखन के अंतर्गत या फिर कहिए स्वमत के अंतर्गत एक नया विषय लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म प्रधान यानी कर्म को प्रधानता देने वाला, यानी किसी काम करने को प्रधानता देने वाला, यानी कर्म करेंगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा इस बात को मानने वाला व्यक्ति जो है वह हमेशा जो है जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उन्नति करता है, विकास करता है। तो मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर हमें लेख लिखना है, निबंध लिखना है या स्वमत लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से लिख कर रखा है कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, अर्थात कर्म करने वाला व्यक्ति निष्क्रिय रहने वाले से श्रेष्ठ है। यानी जो कर्म करता है वह चाहे जैसा भी कर्म करे उसे कुछ 1% तो सफलता मिलती है कम से कम, तो जो निष्क्रिय बिल्कुल पड़ा हुआ है बिस्तर पर आलसी एकदम, उससे तो ये काम करने वाला व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। कहा गया है कि मंद गति वाली चींटी भी अपने कर्मठ स्वभाव के कारण सैकड़ों योजन तक चली जाती है। यानी कि जो चींटी की चाल देखी है ना आपने, कितनी वो उसके हिसाब से बहुत तेज भी चलती है, लेकिन मनुष्य के हिसाब से उसकी चाल जो है एकदम मंद है, फिर भी वो सैकड़ों योजन यानी सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो चली जाती है। किंतु न चलता हुआ गरुड़ जैसा तीव्रग्रामी पक्षी एक कदम भी नहीं चल सकता। और गरुड़ जो है वो बहुत तीव्रगामी यानी बहुत तीव्रता से उड़ता है ना, ऐसा पक्षी एक कदम भी चल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी, कर्मठ स्वभाव की कमी है ना। इस कारण से यहाँ पर चींटी और गरुड़ की जो है तुलना करके हमने बताया है कि जो कर्म प्रधान होते हैं, जो कर्मठ स्वभाव के होते हैं, वो जीवन में कुछ भी कर रखने का हौसला रखते हैं। एक चींटी अपने से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, तो ये उसकी कर्मठता का उदाहरण है, उसके कर्म प्रधान होने का उदाहरण है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही फल की उम्मीद कर सकता है। विश्व में अपना नाम कमाने वाले सभी महान लोग अपने कार्यों के बल पर ही महान कहलाए। अब हम यहाँ पे कई महान लोगों की जो है सूची तैयार कर सकते हैं, कोई उदाहरण दिए जा सकते हैं। गांधी जी का उदाहरण दे सकते हैं, कर्म प्रधान थे, अपना कार्य स्वयं करने में जो है विश्वास रखा करते थे, छोटे से छोटा कार्य करना भी उन्हें कभी भी बुरा नहीं लगता था, तो इसलिए वे अपने कर्म प्रधानता के बल पर जो इतने बड़े बने। उन्होंने अहिंसा का जो हमें सीख सिखाई कि अहिंसा एक इतना बड़ा हथियार है कि उस हथियार के सामने कोई हथियार टिक ही नहीं सकता, और इसी अहिंसा के बल पर उन्होंने हमारे भारत को जो है स्वतंत्रता भी दिलाई। तो अहिंसा का इतना सुंदर उदाहरण हमें विश्व में कहीं और दिखाई ही नहीं देता, कितना हमने शानदार उदाहरण जो है विश्व के सामने पेश किया हुआ है गांधी जी के माध्यम से, है ना। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद, वे भी क्या थे, कर्म प्रधान थे, है ना, कर्म करने में विश्वास किया करते थे। और जितने भी हमारे यहाँ महान लोग हुए वे सभी क्या थे, कर्म प्रधान थे। उसी के अलावा जैसे सिर्फ ये नहीं है कि महान जो नेता लोग हैं वही कर्म प्रधान थे, तो हम कहेंगे पत्रकार क्या होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ना। इसी तरीके से अन्य क्षेत्र हमारे जीवन के रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें भी कर्म प्रधान होना हमें बहुत आवश्यक है। पढ़ाई लिखाई में भी कर्म प्रधान होना हमें बहुत आवश्यक है। तो विश्व में अपना नाम कमाने वाले सभी महान लोग अपने कार्यों के बल पर ही महान कहलाए। निष्क्रिय बैठने वाले भूल जाते हैं कि भाग्य भी संचित कर्मों का ही फल होता है। यानी आप कोई अच्छे काम करते हैं ना, तभी आपको भविष्य में जाके कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा मिलता है। और फिर हम बोलते हैं अरे इसका तो भाग्य अच्छा था जो इसका काम हो गया, नहीं, उसने उसके लिए कुछ पहले मेहनत की हुई होगी पास्ट में, तभी आज जाकर उसके उन संचित यानी इकट्ठा हुए हुए अच्छे कर्मों का फल उसको प्राप्त हुआ। बौद्धिक हो या शारीरिक कर्म, सदा सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग ही होता है। यानी कर्म चाहे कैसा भी हो, चाहे आपने आपकी बुद्धि का प्रयोग किया हो, चाहे आपने आपके शरीर का प्रयोग किया हो यानी मेहनत की हो हाथ पैर से, तो वो सब आपको सफलता की तरफ ही, सफलता की राह पर ही लेकर जाते हैं। इसलिए हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके ऊपर लिखा हुआ ये निबंध आपको कैसा लगा,
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखकर पढ़कर ऐसे ही आगे मत बढ़िए, बल्कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।